स्वागत है दोस्तों, कृपया पूरा वीडियो देखें। 2019 में विमान के बिना दुनिया के बारे में सोचना मुश्किल होगा। हम दुनिया भर में एक लोगों के रूप में परिवहन के इस तरीके पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, शिपिंग, यात्रा और सेना। हालांकि एक समय था जब हवाई जहाज मौजूद नहीं थे और लोग उन्हें बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने के लिए नावों और घोड़ों पर निर्भर थे। शेफील्ड में हमारे जानकार विमानन कर्मचारी आपको हवाई जहाज के इतिहास को सिखाने के लिए समय पर वापस ले जाना चाहेंगे। यह सब कैसे शुरू हुआ, हम सभी ने राइट बंधुओं और हवाई जहाज के इतिहास पर उनके विशाल प्रभाव के बारे में सुना है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना करने के विचार को पहली बार 1799 में सर जॉर्ज केली द्वारा एक निश्चित पंख वाले विमान के वैज्ञानिक डिजाइन के साथ प्रलेखित किया गया था। तब से इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने वैमानिकी को जीवंत करने के कई प्रयासों में उनके डिजाइन का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए 1874 में फेलिक्स ड्यूटेम्पल ने रैंप के अंत में कूदने के लिए भाप से चलने वाले मोनोप्लेन का उपयोग करके एक संचालित उड़ान का संचालन करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। अन्य वैज्ञानिकों में फ्रांसिस वेनहैम, होरेशियो फिलिप्स और सर हीराम मैक्सिम शामिल हैं। हालांकि बाद के पास एक सफल टेको ऑफ था जो तब एक अनियंत्रित उड़ान में बदल गया। केली के डिजाइन पर एक छुरा लेने वाले अंतिम वैज्ञानिक ओटो लिलियनथल थे, जिन्होंने छोटे ग्लाइडर को पैंतरेबाजी करने के लिए अपने शरीर के वजन को स्थानांतरित करके पहली नियंत्रित उड़ान बनाई। राइट ब्रदर्स विल्बर और ओनर विल राइट लिलियनथल की सफलता से प्रेरित थे और उड़ान में एक विमान को चलाने के लिए विभिन्न वायुगतिकीय सतहों के साथ प्रयोग किया। 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में पहली नियंत्रित निरंतर संचालित उड़ान का प्रदर्शन किया। लगभग 2 साल बाद उनके काम को व्यावहारिक उड़ान मशीन माना जाता था और अन्य इंजीनियरों ने जल्द ही उनकी सफलता प्राप्त करने के लिए उनके आविष्कार का अध्ययन किया। 1909 तक महत्वाकांक्षी पायलटों ने 3 अक्ष वायुगतिकीय नियंत्रण के नवाचार पर कब्जा कर लिया और राइट ब्रदर्स को पीछे छोड़ते हुए उड़ानें संचालित की। एक बार जब विमान के लाभ और क्षमताएं व्यापक रूप से ज्ञात हो गईं, तो वे जल्द ही फ्लोट प्लेन, फ्लाइंग बोट, यात्री विमान और अवलोकन प्लेटफॉर्म में परिवर्तित हो गए, जिसमें रेडियो, वायरलेस टेलीग्राफ, फाइट्स और बॉम्बर्स शामिल थे। क्षितिज पर प्रथम विश्व युद्ध के साथ हवाई जहाज जल्द ही युद्ध और शांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इस प्रकार के वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।